नमस्कार एमपी, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, आज शनिवार का दिन है, आज आपसे मेरी मुलाकात का दिन है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले हफ्ते वादा किया था कि आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ अभी आप सबके सामने। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, यानी कि आप सीधे हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं टेलीफोन नंबर्स, और ये लाइन स्टूडियो की अगले एक घंटे तक खुली रहेंगी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञों से सीधे बातचीत कर सकते हैं और अपने प्रश्न कर सकते हैं। तो आपको डायल करना होगा, ये नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, भोपाल के एसटीडी कोड 0755 के साथ 2660049। और इसके अलावा दर्शकों, हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है जो कि जिस पर कोई भी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा, 1800-233-0049। आप इस पर भी जो है हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम नमस्कार एमपी एक सजीव कार्यक्रम है और इसमें हम आपके लिए कई सारे विषयों को एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय भी बहुत खास है, तो आपको बताएंगे कि आज हम किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और कौन है हमारे विषय विशेषज्ञ। लेकिन कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार आइए आपको बताते हैं कि आज की तिथि क्या है। जी, विक्रम संवत 2079 के माघ माह के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या है, दिन शनिवार है, दिनांक है 21 जनवरी 2023 और आज जिन सबका जन्मदिन है उन्हें कार्यक्रम नमस्कार एमपी की तरफ से, मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, बढ़ते हैं इतिहास की तरफ, क्योंकि इतिहास के झरोके से झांकना बेहद आवश्यक है। जिस प्रकार हमारा वर्तमान और भविष्य जरूरी है, उस प्रकार हमारा इतिहास भी आवश्यक है और ये आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि भी करता है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज का इतिहास। जी, आपको बता रहे हैं जी, इतिहास की बात कर रहे थे दर्शकों, सन 1958 की बात है। कॉपीराइट अधिनियम आज ही के दिन लागू किया था, यानी कि 21 जनवरी का दिन था वो इतिहास में। और उसके बाद 1959 की बात करेंगे, ज्ञानचंद घोष, इनका निधन हुआ था और भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता थे ये। इसके बाद 1972 की बात आपको बता रहे हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, यानी कि आज इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस है। और आपको ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग अलग राज्य बने आज 47 बरस पूरे हो गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम पुनर्गठन 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके साथ ही सन 2008 भारत ने इसराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में आज ही के दिन स्थापित किया था। तो देखिए दर्शकों, इतिहास की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण था आज का दिन। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनका जान लेना हमारे लिए बेहद आवश्यक था। और अब बढ़ेंगे आज के विचार की तरफ। जी, आज का विचार है, जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है, जितनी बार प्रयोग करेंगे पहले से बेहतर सफलता पाएंगे। जी हाँ दर्शकों, ये विचार बेहद खास था और इसे हमने कार्यक्रम में आज इसलिए शामिल किया क्योंकि हमारी आज की बात का विषय भी कुछ ऐसा ही है, यानी कि विज्ञान से जुड़ा हुआ। और आप देखिए इस छोटी सी लाइन में कितनी गहरी बात थी कि आप अगर बार बार प्रयास करेंगे तो सफलता आपके हाथ ज़रूर लगेगी। हो सकता है शुरुआती दौर में आप असफल हो जाएं, लेकिन जब आप सफल होंगे तो इसके साथ आपको हर बार एक नया तरीका मिलेगा और एक नए प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का विचार। अब बढ़ते हैं आज की बात की तरफ। तो आइए सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ से। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री हसन जावेद खान जी। आप प्रमुख वैज्ञानिक हैं CSIR NIST पर, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। और हमारे साथ कार्यक्रम में आज एक विज्ञान कवि भी मौजूद हैं। जी हाँ दर्शकों, श्री मोहन सगोरिया जी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों, अब इस बात को ना छुपाते हुए आपको जल्दी से बता देते हैं कि आज की बात में हम बात करने वाले हैं IISF। जी हाँ दर्शकों, मध्य प्रदेश में 8वां विज्ञान महोत्सव हो रहा है, IISF, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसके अंतर्गत होने वाला है विज्ञान साहित्य
उत्सव जिसे विज्ञानिका का नाम दिया गया है, इसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं और श्री हसन जावेद जी हमें इसके विषय में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप भी IISF भोपाल में शामिल होना चाहते हैं जो कि मैनेट परिसर में हो रहा है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और साथ ही क्या है विज्ञानिका, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं श्री जावेद जी से पूछना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि IISF के अंतर्गत आखिरकार वैज्ञानिका क्या है। जी श्वेता जी, धन्यवाद जी। जैसा कि आपने बताया, IISF भोपाल में आज ही उसका उद्घाटन हो रहा है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इसके तहत 15 इवेंट्स हैं, उनमें से एक इवेंट का नाम है विज्ञानिका। जी, विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, आपने जिस तरह से कहा, साइंस लिटरेचर का उत्सव है ये। कोशिश हमारी इसमें ये रहती है कि इसका जो संरचना है, जो कंसेप्चुलाइजेशन है, कुछ इस प्रकार का है कि इसमें साइंस लिटरेचर पे जितना बात की जा सके, जितने पहलुओं पे इस पे ध्यान दिया जा सके जी। वो हम कोशिश करते हैं। कई अलग अलग पहलू हैं, दो दिन की गोष्ठी में बहुत कुछ कवर करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। इसलिए हर बार हम ये पिछले 5 साल से विज्ञानिका का उत्सव मना रहे हैं IISF के तहत, और ये छठा हमारा संस्करण है जी। इस बार के विज्ञानिका में हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसे पहलुओं पे लोगों का ध्यान दें, कुछ डिस्कशन इस तरह के करें जिससे कि आगे आने वाले समय में विज्ञान के साहित्य को बढ़ोतरी मिल सके। बिल्कुल। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक हमारा सत्र है जिसमें हम रीजनल साइंस कम्युनिकेशन जी उसकी बात करेंगे, यानी कि हम क्षेत्रीय भाषा में विज्ञान का विस्तार, इस विषय पर बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। विज्ञान का संचार हम इंग्लिश हिंदी में करते आ रहे हैं, कई ज़माने से करते आ रहे हैं जी। लेकिन जो पहुंच रीजनल लैंग्वेज की है वो शायद इंग्लिश और हिंदी की नहीं है। इंग्लिश एंड हिंदी आर लैंग्वेजेस ऑफ द प्रिविलेज्ड, दैट इज टू से रीजनल लैंग्वेजेस को हम उन जगहों तक पहुंचा सकते हैं जहां तक साइंस अभी पहुंची नहीं है। बिल्कुल। या लोगों को अभी तक उसके बारे में मालूम नहीं है जी। रीजनल लैंग्वेज में एक जो लोकल फ्लेवर जो होता है, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। आजकल कई लोग इस विषय पर विचार करने लगे हैं कि रीजनल लैंग्वेज में किस प्रकार से साइंस पे का लिटरेचर क्रिएट किया जाए, जनरेट किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो उस पे लिखें और इसका प्रचार प्रसार हो। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही कि जन जन तक विज्ञान को पहुंचाना अब यह हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो क्षेत्रीय भाषाओं में ज़्यादा से ज़्यादा लोग विज्ञान को आसानी से समझ सकेंगे। जैसा कि जावेद जी ने कहा कि हिंदी और अंग्रेज़ी देश के कोने कोने तक लोग समझते हैं और पहचानते हैं और उस भाषा को जानते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बात करते हैं, उनकी मातृभाषा ही उनकी भाषा है, और उस भाषा में अगर वो विज्ञान को समझेंगे तो उनके लिए हर एक बात को समझना कितना आसान हो जाएगा, और उससे अपना एक अपनत्व तो झलकेगा ही, साथ ही साथ एक लगाव भी उन्हें उससे हो जाएगा, और इससे वो कई सारी कुरूतियाँ और अंधविश्वास से भी पीछा छुड़ा पाएंगे और हर एक विषय के बारे में बिंदुवार वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हमारे साथ मोहन जी भी हैं जो कि विज्ञान को कविताओं के रूप में लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, जिससे देखिए दर्शकों, हम अभी क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर रहे थे लेकिन अब विज्ञान कविताओं के रूप में भी लोगों तक पहुंचेगा, यानी कि अब विज्ञान में एक अलग तरह का आकर्षण होगा और विज्ञान जन जन तक पहुंचेगा। तो आइए उनसे जानते हैं कि विज्ञान कविताओं को लेकर क्या कुछ वो कर रहे हैं। जी, आपने ये नया प्रयोग कविताओं में कैसे किया जो कि विज्ञान कविताएँ सामने आई? जी एक्चुअल नया प्रयोग तो नहीं कहना चाहिए जी, क्योंकि हमारे पूर्वज कवि जो हैं उन्होंने भी विज्ञान कविताओं पर काम किया है, और हम आधुनिक कविताओं से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पाते हैं कि भक्ति काल में भी और रीति काल में भी कविताएं कही गई। आपको एक घटना याद होगी जो महाराणा प्रताप की है कि चार बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये पोएट्री भी जो है, ये जो पद है, ये भी विज्ञान कविता ही है जी। चार बांस की दूरी है, चार बांस 24 गज की ऊंचाई है, बिल्कुल, और 8 अंगुल ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है। तो ये जो त्रिकोणमिति है, जो लंब आधारों कर्ण की दूरी मापने का जो कहना चाहिए पैमाना है, ये कविता में बहुत पहले से है। और आधुनिक समय में जब
हम देखते हैं तो निराला, या निराला का पहले जाते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक कविता लिखी थी प्लेग पर, जी, प्लेग राग स्तवन जी, एक कविता है उनकी, और वो कविता है गद्य कविता। तो एक दृष्टि ये भी बनती है कि निराला के पहले जो गद्य कविता लिखी गई वो महावीर प्रसाद द्विवेदी या उन जैसे कवियों ने भी लिखी है, और उसमें भी विज्ञान था जी। तो विज्ञान का जो सिलसिला है या विज्ञान कविताओं का सिलसिला है वो बहुत पुराना है। हमारी नज़र अब थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं जी, जी, और जी। इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे कवि जो है सक्रिय हुए हैं और एक प्रोजेक्ट की तरह भी उन्होंने विज्ञान कविताएं लिखनी शुरू की और इससे जागरूकता भी बढ़ रही है। जरूर जरूर, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है ये। दर्शकों, हमारी बातचीत जारी रहेगी। अगर आप कोई सवाल हमारे विषय विशेषज्ञों से करना चाहते हैं तो हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है। भोपाल के एसटीडी कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 2660049। इसके अलावा एक शुल्क रहित नंबर, टोल फ्री नंबर भी है 1800-233-0049। आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। लाइंस अगले एक घंटे तक खुली हुई हैं। आइए जावेद जी से एक और प्रश्न करते हैं विज्ञान साहित्य महोत्सव वैज्ञानिका के विषय में। आपसे जानना चाहेंगे सर कि वैज्ञानिका, ये जो एक आप कार्यक्रम, इसका एक हिस्सा है IISF का, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने सत्र होंगे और उन सत्रों में क्या क्या कुछ खास है और आमजन इससे किस प्रकार जुड़ पाएगा? जैसा मैंने बताया, दो दिन का कार्यक्रम है ये वैज्ञानिका। इसमें कुल मिला के 9 सत्र हैं। अलग अलग विधाएं इसमें हम कोशिश करेंगे दिखाने की। जैसे मोहन सगोरिया जी ने विज्ञान कविता की बात की, एक हमारा सत्र है विज्ञान कवि सम्मेलन में, क्योंकि हमारा मानना है कि विज्ञान को केवल क्लासों में पढ़ाई नहीं जा सकता, उसकी ज़्यादा समझ कई अलग विधाओं से की जा सकती है। जैसे कि विज्ञान कवि सम्मेलन है, कविता के थ्रू विज्ञान को समझाना, या पपेट्री शो है, एक पपेट्री शो भी हम करेंगे, साइंस पपेट्री शो जी। और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक तरीका है जन जन तक विज्ञान को पहुंचाने का, कि अगर हम कठपुतली के माध्यम से, कुछ नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोग इस बात की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं और उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। और दर्शकों, मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कठपुतली शो आप देखना चाहते हैं और उसमें भी एक अनूठी विज्ञान की कोई कथा देखना चाहते हैं तो आप वैज्ञानिका IISF 2022 में, जो कि 2023 में किया जा रहा है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और देखिए, जावेद जी से भी मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कोई बहुत बड़ी कोई घटना है, मान लीजिए कि हम मिशन मंगल को बहुत याद करते हैं, या फिर हम कोविड की ही बात कर लें जिससे हम सब अभी अभी जो है पूरी तरह से बाहर तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, ऐसी बहुत सारी नवाचार और टेक्नोलॉजीज और बूस्टर्स की वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और बात कर रहे हैं। इन कहानियों को भी क्या हम इन कठपुतली और नाटकों के माध्यम से लोगों के बीच में ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ले जा सकते हैं जी। कोविड की आपने बात कही, बिल्कुल। कोविड एक ऐसी बीमारी थी जो कि पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी जी, उसके बारे में किसी कल्पना भी नहीं की थी किसी बिल्कुल, ने बिल्कुल जी। तो उसके बारे में जो जानकारी वैज्ञानिकों तक को नहीं थी, डॉक्टर्स को नहीं थी, तो आम आदमी की तो आप बात कर भी नहीं सकते, बिल्कुल। जिसकी वजह से बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली इस ज़माने में, लोगों ने काढ़े बना के पीना शुरू किया। अब डॉक्टर्स का कहना है कि लोग अल्सर की कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ थी उनको दूर करने के लिए, जैसे मैंने बताया विज्ञान की तरह तरह के विधान होते हैं उनको समझाने के लिए, वो कोशिशें करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विज्ञान कवि सम्मेलन के हो के लिए थ्रू हो या पपेट्री के थ्रू हो। एक हम वैज्ञानिका में एक मेंटलिज्म शो भी करने वाले हैं जिसके थ्रू भी एक कोशिश की जाएगी कि उसको विज्ञान को किस तरह से समझाया जा सकता है बच्चों को जी। ये जो वैज्ञानिक का कार्यक्रम हो रहा है सर, इसमें जानना चाहेंगे क्या आम लोगों के लिए कोई प्रतियोगिता भी इसमें रखी है? क्योंकि प्रतियोगिताएं अक्सर एक दूसरे से जुड़ने का और प्रोत्साहन देने का एक बहुत अच्छा माध्यम होती है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा एक अवसर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जीतते भी हैं वो, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो क्या कुछ प्रतियोगिताएं आप लोगों ने इसमें रखी है? जी, हमने कुछ प्रतियोगिताएं रखी थी जी, जी, जी। जिनका टाइम अब समाप्त हो चुका है। एक प्रतियोगिता है जो बच्चों के लिए है, पेंटिंग कंपटीशन, जिसका अच्छा। विषय है इंडिया एट 100। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 25 साल में 100 वर्ष हो जाएंगे जी, जी, जी। तो हमने ये टॉपिक दिया, इंडिया एट 100, माई कंट्री माई विजन।
क्या तो उस पर कल ही बच्चे आएंगे हमारे यहाँ, 100 बच्चे करीब आएंगे और भी जो भाग लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं कल। ये ऑन द स्पॉट कॉम्पिटिशन है आपका? जी ऑन द स्पॉट कॉम्पिटिशन है इसका, वहीं पे लोगों को पेंटिंग बनानी है टॉपिक पे, उसकी जूरी तैयार है बिल्कुल, उसके बाद उसको जज करने के लिए। हमने इससे पहले जो कॉम्पिटिशन किए थे उसमें से एक कॉम्पिटिशन के बारे में खासतौर से बता दूँ आपको, हमने एक वीडियो कॉम्पिटिशन किया जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय वैज्ञानिक की जीवनी से निकाल के कोई बहुत ही इंस्पायरिंग एनेक्डोट कोई हो तो उसको आप इनैक्ट कीजिए, उसको ड्रामा के फॉर्मेट में उसको इनैक्ट कीजिए और उसका वीडियो बना के भेजिए। तो उसमें भी काफ़ी हमारे पास एंट्रीज आई थी और काफ़ी दिक्कत हुई हमें उसमें, बहुत बेहतरीन एंट्रीज आई थी, काफ़ी दिक्कत हुई हमें उसमें जजमेंट करने में। तो इस तरह की कॉम्पिटिशन्स हम हर साल करते हैं, इस साल भी किए थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों मैं भी आपको एक बार दोबारा से ये सूचना दे देती हूँ कि IISF 2022 के अंतर्गत वैज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव में आपके लिए ऑन द स्पॉट भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, कई सारी प्रतियोगिताएं हैं और स्पेशली बच्चों के लिए वहाँ पर एक चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें भारत आपकी आँखों से 100 वर्षों में कैसा होगा या कैसा आपने देखा या आने वाले भविष्य में आप कैसा देख पाएंगे, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, हम अमृत काल में ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप साइंस एंड टेक के माध्यम से एक नया भारत देख रहे हैं तो आप अपने रंगों से, आप अपनी चित्रकला से वहां पर कागज पर सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हैं और कई सारे इनाम भी जीत सकते हैं। आपको बस पहुंचना है वहां पर एक आत्मविश्वास के साथ, बाकी आपको सारी चीजें वहीं पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप इस कार्यक्रम में आ सकते हैं और कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। और जैसे कि जावेद जी ने बताया कि एक मेंटलिज्म शो भी वहां पर लोगों के लिए अरेंज किया गया है, तो आप उसे भी देखिए, उसे भी जानें। और एक नाटक के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, आइए अब उस नाटक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि विज्ञान नाटक ये भी एक नया नाम है। वैसे तो मोहन जी ने भी बताया कि हम प्राचीन समय से ही विज्ञान से जुड़े हुए हैं, कविताओं की बात करें चाहे हमारी विज्ञान की शुरुआत भारत से ही हुई है, शून्य की खोज भारत से हुई है, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो प्राचीन भारत से आज अगर हम यहां पर हैं तो वो उस समय की बात है जहां पर विज्ञान को खोजा गया, विज्ञान को समझा गया और आज विज्ञान दैनिक जीवन में हमारे काम आ रहा है कदम कदम पर। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी ने हमारा जीवन बहुत आसान बना दिया है। तो ऐसी कुछ बात होगी विज्ञान नाटक में भी, आइए जानते हैं कौन सा नाटक है और क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू जुड़े हैं फोन लाइन पर। जी प्रदीप जी स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में, अपना प्रश्न करें। जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आज आपने सब्जेक्ट जो लिया बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनमानस पे क्या रोचक का पैदा हो। जी बिल्कुल जावेद भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे साहित्य समाज का कार्य है, विज्ञान और साहित्य दो अलग अलग चीजें, जी वैज्ञानिक साहित्य क्या है, नीट और IIT के बच्चों के लिए या और दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके साइंस को कविताओं में उतारने का प्रयास कुछ है या भविष्य में कुछ करने की ऐसी कोई प्लानिंग है क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपके दोनों ही प्रश्न मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हैं और इसी बात के साथ आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। परंतु आपको एक सूचना दे देती हूँ कि आज से यानी कि 21 जनवरी से 24 जनवरी तक मैनेट भोपाल में, जैसे कि आपने हमें भोपाल से ही कॉल किया है, तो आप मैनेट परिसर भोपाल में ज़रूर जाएँ, आप इस IISF को ज़रूर देखें, आप विज्ञान साहित्य के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, आपको वहाँ से बहुत कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे आपके आने वाले समय के कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन अभी आपके सवालों का जवाब देंगे हसन जावेद जी। जी प्रदीप जी नमस्कार, जो साइंटिफिक लिटरेचर के बारे में आपने सवाल पूछा, विज्ञान साहित्य की परिभाषा बहुत ही विस्तृत है, इसमें चाहे साइंटिफिक जर्नल्स के लिए पेपर लिखने हो या पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स लिखने हो ऐसे जो कि आम आदमी को समझ आ सके, या मोहन सगोरिया जी ने जैसे बताया विज्ञान कविता लिखनी हो
या हम जो एक साइंस ड्रामा करने वाले हैं उसका स्क्रिप्ट लिखना हो, बहुत ही विस्तृत इसकी परिभाषा है साइंस लिटरेचर की। इसको मेरे ख्याल से किसी कैद में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जो जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वैज्ञानिका में, वो है ऐसा विज्ञान साहित्य जो जनमानस तक पहुंचाया जा सके, जिससे जनमानस को समझाया जा सके किस तरह की हमारी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ रही हैं आगे, क्या आने वाली हैं, उसको कैसे समझा जाए, उनको कैसे समझाया जाए। तो ये सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात, और मुझे लगता है कि आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और अब बारी है दूसरे प्रश्न के उत्तर की। जी मोहन जी, जैसे उन्होंने कहा कि नीट हुआ या फिर IIT हुआ, जितने भी बड़े ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर विज्ञान है और बच्चे इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में लगे रहते हैं, और न जाने क्यों इस तरीके का एक वातावरण पैदा कर दिया जाता है कि ये विषय बहुत कठिन है, तो क्या कविताओं के माध्यम से इन विषयों को तरल किया जा सकता है, आसान किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि विज्ञान और दार्शनिकता या साहित्य जो है वो अलग अलग नहीं है। वैज्ञानिक की यात्रा बाहर की ओर होती है, वो प्रमाण जुटाता है और सत्य को प्रमाणित करता है, जबकि कवि है वो भीतर की यात्रा करता है, वहाँ से प्रमाण जुटाता है और वो अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। और दूसरी बात, जहाँ तक विद्यार्थियों की इन्होंने पूछी है, तो मैं बतलाना चाहूँगा कि विज्ञान प्रगति, जावेद साहब बताएंगे जी, एक मैगजीन है जो निष्कर्ष से निकलती है, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए जो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से प्रकाशित होती है, ये सब जो है विज्ञान की पत्रिकाएँ हैं और विज्ञान को छापती हैं। अब रही बात कि कविता में कैसे संभव है विज्ञान संचार या स्टूडेंट के लिए, तो आप वो मैगजीन देखें, आप पाएंगे कि विज्ञान के थॉट को भी कविताओं में पिरोया गया है, उसे प्रस्तुत किया गया है। जैसे मैं एक अपने मित्र हैं, उनकी एक कविता है, उन्होंने अमीबा पर लिखी, मैं चार लाइन आपको सुनाता हूँ तो आपको थोड़ा स्पष्ट होगी बात। जी, जी, कि अदरक के जैसे दिखता है यार अमीबा, अदरक के जैसे दिखता है यार अमीबा, अदरक जैसा दिखता है पर खाली आँख नहीं, दूरबीन से देखोगे तब दिखती पाँख नहीं, जलाशयों में रचता है अपना संसार अमीबा, अदरक के जैसे दिखता है यार अमीबा। तो इस तरह के बहुत गूढ़ जो वैज्ञानिक के सिद्धांत हैं उन पर भी कविताएं लिखी गई है। और यदि आप हमसे जुड़ेंगे, विज्ञान के संचारकों से जुड़ेंगे, साहित्य से जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जी, बहुत बहुत उम्दा तरीके से बताया आपने कि अदरक के जैसे दिखता है अमीबा। जब मैं अगर थोड़े पहले की बात करूं, हम किताबों में पढ़ते थे, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो हम हर चीज़ को जो है चित्र के रूप में बहुत आसानी से देख लेते हैं, ग्राफिक्स के रूप में आसानी से देख लेते हैं। लेकिन थोड़े पहले की अगर मैं बात करूँ, जब ये सुविधाएँ नहीं हुआ करती थी, तब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना, इन कॉन्टेक्स्ट को समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ करता था, बच्चे थोड़ा इससे डरा भी करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि कविताएं उन्हें हमेशा से मदद करती होंगी, क्योंकि अमीबा को एक चित्र में देख के समझना और उसको इस तरीके से सुनना समझना उनके लिए काफ़ी आसान हो गया। दरअसल कविता जो है वो चित्र बनाने की जो है वो अवसर देती है, जैसे कविता सुनी तो उसका विजुअल जो होता है सुनने वाले का खुद का होता है और वो खुद ही अपने दृश्य तैयार करता है। जी जी, तो बेहद आवश्यक है कविताओं का होना भी जीवन में, क्योंकि जैसे कि मोहन जी ने बताया कि एक कवि भीतर से यात्रा करता है और वो अपने विचारों को कागज़ पर कलम के माध्यम से उतारता है, और अगर उसमें वैज्ञानिकता आ जाए, उसमें विज्ञान आ जाए, तो दार्शनिकता के साथ साथ उसमें वैज्ञानिक दार्शनिकता आ जाती है, और इस तरीके से एक विज्ञान की कविता तैयार होती है। यानी कि विज्ञान की कविता तैयार होने में काफ़ी कुछ समय तो लगता है, लेकिन जब वो सामने आती है तो आपके जो भी विषय हैं उनको पूरी तरह से वो आपके सामने रख देती है और विषय क्लियर भी हो जाते हैं। आइए, अब कार्यक्रम में समय हो गया है पर्यटन का, आपको लिए चलते हैं सैर पर, और आज हम सैर पर जा रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर। मध्य प्रदेश के भौगोलिक किनारे पर स्थित है ग्वालियर। ग्वालियर भव्य और शानदार
इसकी दीवारों के भीतर इस गढ़ में मध्ययुगीन वास्तुकला के खजाने कई चमत्कार महलों मंदिरों और अन्य संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। किले के सबसे प्रख्यात महलों में है आश्चर्यजनक अलंकृत मान मंदिर महल, जिसे मानसिंह पैलेस भी कहा जाता है। ग्वालियर के किले ने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लगभग 500 साल के दौरान ग्वालियर का किला एक शासक से दूसरे शासक के पास चला गया। इसके केंद्र में एक बगीचा है जिसमें महाराज जयाजी राव सिंधिया की एक विशाल मूर्ति संगमरमर के चबूतरे पर बनी हुई है। यह छतरी इटालियन शैली में निर्मित है। महाराज बाड़ा की चारों दिशाओं में शॉपिंग सेंटर स्थित हैं, जनरल पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विशाल भवन, टाउन हॉल और विक्टोरिया बाजार, और महाराज बाड़ा परिसर में सुंदर प्रतिष्ठानों की विशेष सुविधा देखने लायक है। बाड़ा बाजार की खास विशेषता यह है कि यहाँ आने के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं। महाराज बाड़ा ग्वालियर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। महाराज बाड़ा की वास्तुकला बड़ी ऐतिहासिक और सुंदर है। इसका कारण है महाराज जयाजी राव सिंधिया का वास्तुकला प्रेम। महाराज जयाजी राव सिंधिया ने महाराज बाड़ा क्षेत्र में विभिन्न शैलियों की 7 इमारतों का निर्माण करवाया था। महाराज बाड़ा में इटालियन, जर्मन, रशियन, मुगलई, राजपूती और चीनी वास्तुशिल्प की प्राचीन इमारतों को देखा जा सकता है। तो दर्शकों, कार्यक्रम में पर्यटन में आज हमने आपको कराई ग्वालियर शहर की सैर, और अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपको ये बताने का कि आज हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और आप भी इनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, यानी कि आप सीधे जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है 0755 भोपाल के एसटीडी कोड के साथ आपको डायल करना होगा 2660049। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1800233040। आप इस पर भी बातचीत कर सकते हैं, इस पर भी कोई शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। तो दर्शकों, ये तो हुई संपर्क सूत्र की बात, तो आइए अब दोबारा हमारे विषय विशेषज्ञों से पूछते हैं। जैसे कि पर्यटन पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे विज्ञान नाटक की, ये भी एक अलग ही तरीके की विधा है जहाँ पर आप नाटक के माध्यम से विज्ञान को समझ सकते हैं, विज्ञान को जान सकते हैं, और ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिन्हें नाटक में पिरोकर विज्ञान नाटक बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप आसानी से इन बातों को समझ सकें और याद रख सकें। तो आइए जानते हैं कि वैज्ञानिका के अंतर्गत कौन सा विज्ञान नाटक होने वाला है। मैं चाहूँगी मोहन जी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सा नाटक होने वाला है और क्या कुछ खास है उसमें। विज्ञानिका में जो नाटक होने वाला है उसका नाम है गैलीलियो। नाटक लिखा है ब्रेक्ट ने जी, और इसका जो अनुवाद किया है वो हमारे समय के वरिष्ठ कवि, साहित्यकार और विज्ञान कर्मी संतोष चौबे जी ने किया है। नाटक का निर्देशन जो किया है वो मनोज नायर साहब ने किया है जी। ये गैलीलियो के जीवन पर लिखी गई कहानी को नाट रूपांतरित किया गया था, जो संतोष चौबे जी द्वारा उस पर आधारित नाटक है। और गैलीलियो ने जो बात कही थी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है और सूर्य स्थिर है, और पोप का जिस तरह से कहना चाहिए कि उन पर अत्याचार हुआ और उन्हें बंदी बना लिया गया, उस पूरी कथा को कहता है। लेकिन इसके साथ साथ वैज्ञानिकता को और विज्ञान के नियमों को भी उद्घाटित करता है। बड़ा सुंदर नाटक है और मैं चाहूँगा कि दर्शक वहाँ पहुँचे हमारे और उसका आनंद लें जी। बहुत ही अच्छी बात, गैलीलियो गैलीली के विषय पर एक नाटक बनाया गया है, उनके जीवन यात्रा पर एक नाटक बनाया गया है जिसमें किस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के आपसी संबंधों के बारे में बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, और इसके साथ ही खगोल शास्त्र क्या है, खगोल विज्ञान क्या है, इसके विषय में उन्होंने दुनिया को बताने की कोशिश की। इससे पहले ये सिद्धांत और इससे पहले ये बातें हो चुकी थी, परंतु उन्होंने इन बातों पर जोर देकर आम जन तक ये सूचना पहुँचाने की कोशिश की। परंतु आगे क्या कुछ हुआ ये मैं आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये जानने के लिए आपको देखना होगा वैज्ञानिका के अंतर्गत होने वाला नाटक गैलीलियो, जो कि
22 तारीख को मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में खेला जाएगा और इस नाटक का नाम ही गैलीलियो रखा गया है। तो बड़ा ही रोमांचक है और मुझे भी इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं और एक जिज्ञासा भी आ गई है कि आखिरकार उस समय कैसा माहौल रहा होगा, क्या हुआ होगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भोपाल एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ पर जो है रंग भूमि की एक अलग ही बात है। तो किस तरीके से कलाकारों ने वो नाटक खेला होगा, या अगर आप भी देखना चाहते हैं तो कल वैज्ञानिका के अंतर्गत होने वाले नाटक गैलीलियो को देखने ज़रूर जाएं। तो दर्शकों, ये तो नाटक की बात हुई, अब आइए बात करते हैं बाल विज्ञान साहित्य की। मैं जावेद जी से जानना चाहूँगी कि अगर हम बाल विज्ञान साहित्य की बात करें, क्योंकि बच्चे कौन सा विज्ञान पढ़ रहे हैं और उनके लिए विज्ञान की क्या आवश्यकताएँ हैं साहित्य में, उसके विषय में कुछ बताएं, इस पर कुछ प्रकाश डालें। श्वेता जी, बाल विज्ञान साहित्य पे भी काफ़ी कार्य हुआ है जी, और हम अपने CSIR निस्पर जिस संस्थान से मैं आ रहा हूँ जी, वहाँ भी हम जो मैगजीन्स निकालते हैं साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में, विज्ञान प्रगति हिंदी में, साइंस की दुनिया उर्दू में जी, उनमें भी कोशिश करते हैं कुछ सेक्शंस ऐसे रखें जिसमें कि बच्चे खुद भाग ले सकें जी, खुद लिख सकें, खुद अपना प्रोजेक्ट बना सकें या किसी भी विषय वस्तु पे अपना अपना विचार व्यक्त कर सकें। इसी तरह से और भी कई प्रयास हैं, कई मैगजीन्स हैं जिन्होंने कोशिश की है बच्चों तक विज्ञान के जो गूढ़ सत्य हैं उनको कितने आसान तरीके से पहुंचाया जा सके। जैसे चकमक मैगजीन मुझे एक ध्यान में आती है, काफ़ी प्रसिद्ध मैगजीन है, बहुत ही कॉमिक स्ट्रिप के तरीके से बच्चों को विज्ञान की जानकारी दी जा रही है। और बेहद हर्ष की बात है कि चकमक हमारे भोपाल से ही प्रकाशित की जाती है, समझ झरोका भी एक जी भोपाल से। तो बच्चों के लिए विज्ञान साहित्य को बनाना, को संवारना, उसको पेश करना, लोगों तक प्रचार प्रसार करना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही बच्चे आगे चल के एक वैज्ञानिक सोच लेके भारतीय नागरिक बनेंगे, समझदार नागरिक बनेंगे। और भारत क्योंकि इट इज़ नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज, तो डेमोक्रेसी में ताकत तभी आती है जब जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो एम्पावर्ड हो विथ साइंटिफिक नॉलेज, उनके सही और गलत का फैसला करने की क्षमता हो जी। और वो क्षमता तभी आती है जब उनको उस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया जाए। बिल्कुल, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जागृत करना, उनके वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना, और अगर ये बालकाल से ही शुरू हो जाए और इस तरीके का साहित्य उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाए, जो कि शुरुआत घर से होती है, स्कूल भी बाद में आता है, मुझे लगता है कि घर में अगर उस तरीके का वातावरण हो, घर में उस तरीके की अगर बातचीत हो और इस तरीके की कुछ प्यारी प्यारी कुछ किताबें घर में हो जिनसे बच्चे रंग बिरंगे चित्र देखकर और छोटे छोटे सिद्धांतों को समझें तो बेहद अच्छी बात होती है। दर्शकों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर जी। सिंह साहब हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, एपी सिंह साहब हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। एपी सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जी। जावेद जी, उन्होंने ये प्रश्न किया है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को मेंटेन कैसे किया जाए, और ये वेस्को में उन्होंने बात की है, परिवार के सदस्यों में इस चीज़ को कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि कई बार जिज्ञासा के कारण बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कई विषय हमसे छूट जाते हैं, अगर अखबार भी हम रोज़ पढ़ रहे हैं तो भी हम कई विषयों को छोड़ देते हैं या उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और कई दफ़ा बच्चे उन्हीं से संबंधित सवाल हमसे कर लेते हैं। तो किस तरीके से टेम्परामेंट को मेंटेन रखा जाए जी? देखिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट से मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है, इसमें कोई ज़्यादा गूढ़ रहस्य नहीं है, कि आप जो देखते हैं, जो उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सब्ज़ी लेने भी जाते हैं, सब्ज़ी में अगर गड्ढा है जी, कीड़े लगे हैं, तो आप वो सब्ज़ी नहीं लेंगे। बिल्कुल, इसी तरह से जो आपने देखा उसको किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं,
जैसे हम अभी कार्यक्रम के शुरू में बात हुई थी कोविड के बारे में, कोविड में जब फेक न्यूज़ बहुत, फेक इन्फॉर्मेशन बहुत फैली थी, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन कई तरह, कई जगह से आती है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, हर जगह से इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है। बिल्कुल, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे ग्रहण करें आप, यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है। अगर उस इन्फॉर्मेशन को सुन के, समझ के, पढ़ के अगर आप उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, यही साइंटिफिक एटीट्यूड है, यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है। तो ये चीज़ जो है ये बच्चों में शुरुआत से होनी चाहिए। हम जैसे आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है, कई बार हम इस बात की बात करते हैं कि केवल क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए बच्चे को ताकि उसको मार्क्स अच्छे मिल जाएं। ये ज़रूरी नहीं है, ये एक एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन एक समझदार नागरिक बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो बच्चा ये भी समझे कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ ख़ास है तो वो क्यों है, उसके बारे में और जिज्ञासा होनी चाहिए। और ये चीज़ मेरे ख्याल से जो हमारे विज्ञान के अध्यापक हैं वो बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी प्रकार साइंटिफिक टेम्परामेंट आगे तक रह सकता है। जैसे मैंने कहा, नींव पड़ती है बचपन में जी, जो बचपन में अच्छी नींव पड़ जाए साइंटिफिक टेम्परामेंट की, एक साइंटिफिक एटीट्यूड की, साइंटिफिक ढंग से सोचने की, वो जिंदगी भर बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर हमें इसे मेंटेन करना है तो हमें सिर्फ रटना नहीं है, हमें किसी भी बात का जो उसका आधार है उसे समझना है। क्योंकि जैसे कि सर ने भी कहा कि ये कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आप रट के लिख कर आ जाएंगे। अगर आप उस सिद्धांत को समझेंगे, अगर आप उस थ्योरी को समझेंगे, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं उस थ्योरी का या उस सिद्धांत का जो है प्रभाव पड़े और आप तब उस बात को समझ पाएँ। और जहाँ तक विज्ञान की बात करते हैं तो तथ्य और तर्क दोनों ही इसमें आते हैं और सत्य भी जो है इसका एक अंग है। तो विज्ञान को समझना आसान होगा जब विज्ञान के साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाएगा, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ा जाएगा, अपनी स्वयं की भाषा में पढ़ा जाएगा और सरल और आसान भाषा में पढ़ा जाएगा। ये चर्चा जारी रहेगी दर्शकों, लेकिन अभी कार्यक्रम में वक्त हो गया है, फिट है तो हिट है। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सुखात्मक आसन में बैठेंगे। अब हम अपनी आँखों को धीरे से बंद करेंगे। इसमें इस क्रिया को करने के लिए हमारे मेरुदंड का सीधा हो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखने के बाद राइट हैंड से अपनी शुरुआत की दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे। सिर्फ हमारी अनामिका उंगली और अंगूठे का प्रयोग हम अनुलोम विलोम में करते हैं। अनुलोम विलोम को करने के लिए अब हम अपनी दाई नासिका को बंद करेंगे। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास लेंगे। यथासंभव हम अपनी क्षमता अनुसार सांस को लेंगे। अब अपनी बाई नासिका को हम बंद करेंगे। इसके बाद हम दाई नासिका से अपने धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। अब हम अपनी दाई नासिका से पुनः धीरे धीरे सांस लेंगे। यथासंभव हम सांस लेंगे। हम इसमें शक्ति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब अपनी हम दाई नासिका को बंद करेंगे और बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को रगड़कर आपस में रगड़ेंगे और आँखों पर रखेंगे और आँखों पे से हाथ हटाते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। आइए अब हम करेंगे कपालभाति। इस कपालभाति क्रिया में श्वास लेना अपने आप ही हो जाता है। बस इस क्रिया में हमको श्वास को झटके से बाहर फेंकना होता है। ये आवृत्ति हम एक मिनट में
120 स्ट्रोक करेंगे। इस क्रिया से वापस आने के लिए हम अपनी श्वास को अब धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जी दर्शकों, तो हमने यहाँ पे फिट है तो हिट है मैं आज प्राणायाम देखा, और प्राणायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी जो है योग करें तो जिससे हम रोग को दूर भगा सकें। तो आप भी योग करें और रोग को दूर भगाएं। और जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर आज विज्ञान साहित्य उत्सव वैज्ञानिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रमुख वैज्ञानिक CSIR निस्पर नई दिल्ली से हमारे साथ श्री हसन जावेद जी हैं और विज्ञान कवि श्री मोहन सगोरिया जी भी आज हमारे साथ हैं भोपाल से। और दर्शकों आपको बता देती हूँ मैं कि हमारे साथ फ़ोन कॉल पर एक कॉलर जुड़ गए हैं। भोपाल से हमें शंकर मिश्र जी ने फ़ोन किया है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मिश्रा जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। श्वेता जी नमस्कार। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। आपका तो मैं लगातार देखता आ रहा हूँ, बहुत दिनों से आप लगातार जिस तरह की साइंटिफिक चीजें बताती हैं या फिर उसका कार्यक्रम लेके आते हैं जी, बहुत हमें उससे जानकारी मिलती है जी। लेकिन मेरा प्रश्न ये था हसन जावेद सर से जी, कि पहले जो समस्या थी कि साइंटिफिक जानकारी आपको मिलती नहीं थी सही तरीके से जी, और अब सोशल मीडिया के दौर में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जी जी जी, बहुत सारे दादी नानी की चीजें आ रही हैं, तो अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आने लगी है। उनमें से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सही होती है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो की कहें कि इस तरीके से होती है, भ्रामक होती है या गलत होती है, और उनसे कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं या कई अन्य तरह की समस्याएं आ जाती है। तो इन इन्फॉर्मेशन से अपने काम की इन्फॉर्मेशन और सही जानकारी जो है वो किस तरीके से आम व्यक्ति या आम पाठक दर्शक अपने लिए ग्रहण कर सके, ये बड़ी समस्या आ गई है। तो आप हमें गाइड करें कि कैसे हम इन्फॉर्मेशन को लें और कैसे अपनी सारी जानकारी को जो है ये साइंटिफिक जानकारी है उसे बढ़ाएं और समृद्ध हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आपका जो सवाल था बहुत अच्छा सवाल था, और आपके सवाल में ही आपके जवाब भी आप उसमें अपने साथ रखे हुए थे, बट फिर भी मैं हसन जावेद जी से बोलना चाहूँगी कि हमारे कॉलर के सवाल का जवाब। शंकर जी बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। एक ज़माना था जब हम साइंटिफिक जानकारी के लिए तरसते थे, कोई मीडिया चैनल्स नहीं थे, एवेन्यूज़ नहीं थे जहाँ से हमको सही जानकारी मिल सके। आज का ज़माना बिल्कुल उसके विपरीत है। आज एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड का ज़माना इसको कहा जाता है। जब पैंडेमिक हुआ उसको WHO ने इन्फोडेमिक का नाम भी दिया, क्योंकि इतने भारी संख्या में इससे पहले मिस इन्फॉर्मेशन कभी नहीं फैली थी जितनी कोविड के ज़माने में फैली। इससे हमेशा इस जो कुछ हुआ इससे ये समझना कि हर समस्या का हल कोई दूसरा आपके लिए कर देगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इससे आम नागरिक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी खुद बढ़ी है, और हम सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से उसको उसकी सच्चाई जाना जाए, किस तरह से उसके सत्य तक पहुँचा जाए। आजकल बहुत सी सोशल मीडिया के ज़रिए हैं, ईमेल है, और भी कई तरीके हैं जिससे हम डायरेक्टली चाहे वैज्ञानिक हो या वैज्ञानिक संस्थान हो उनसे जुड़कर हम उस एक ख़ास जानकारी के का सत्य मान सकते हैं। किसी भी जानकारी को फेस वैल्यू पे लेना आजकल बहुत ख़तरनाक हो गया, स्पेशली अगर वो साइंस से जुड़ी हुई जानकारी हो, हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी हो। आजकल जनरली ज़्यादातर जो मिथ जो फैल रही है वो हेल्थ के बारे में फैलती है जी। उसके बारे में जानकारी को सही ढंग से लेना, सही ढंग से उसको समझना और सही ढंग से फॉरवर्ड करना, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड सिर्फ एक नई जानकारी देख के हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बहुत जल्दी, जो एक सर्कल बना हुआ है उसको और बढ़ाता जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन के सर्कल को और बढ़ाता जाता है जी। तो हम हर नागरिक पे ये की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी सोचे, खुद भी समझे,
खुद भी कोशिश करे सच्चाई जानने की और तभी उस बात को आगे बढ़ाए और अपने जो भी सर्कल्स हैं उसमें सही बात को फैलाए, जो आपके आसपास लोग हैं उनको समझाए, आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं उनको समझाए बुझाए। बिल्कुल, यानी कि कहने का सीधा अर्थ है कि आप कोई भी जानकारी अगर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं या कोई भी न्यूज़ या वहाँ से कोई सूचना लेते हैं तो पहले उसके स्रोत की जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई स्रोत हो जिसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध ना हो तो आप उस सूचना पर कतई विश्वास ना करें और अपने परिवार के लोगों के साथ या अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ उन्हें उसे साझा ना करें, क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वो बेहद आवश्यक बात होती है। अभी जबलपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी अशोक जी हमारे साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। जी अशोक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। हेलो जी अशोक जी, की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। मैं चाहता हूं मैडम जी कि अगर विज्ञान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो हमको किससे प्राप्त करना पड़ेगा, कौन सी वेबसाइट है, कौन से फोन नंबर हैं और इसके साथ साथ कितनी नई खोजें हो चुकी है मानवता के लिए भारतवर्ष में, उसका पूरा लाभ हमारे भारतवर्षियों को मिलना चाहिए, इसके लिए हमको किससे पूछना पड़ेगा, कौन सी वेबसाइट। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। और जी मोहन जी, मैं चाहूँगी कि आप इस प्रश्न का जवाब दें कि विज्ञान के विषय में जानकारी कहाँ से ली जाए। जैसे कि हम हमारी चर्चा में भी बात कर रहे थे, लोग जानना चाहते हैं कि हमने कविता लिख ली है, हमारे पास कविता लिखी हुई है, लेकिन अब हम इसे कहाँ लेकर जाएं, यही प्रश्न हमारे कॉलर ने कर लिया है। तो दरअसल हमारे देश में बहुत से संस्थान हैं जिसमें जिसके वैज्ञानिक अभी जिसे आजकल निस्पर के नाम से जाना जाता है, इसरो है जी, और भाभा संस्थान है, जैसे बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जावेद साहब पात्र हैं बतलाने के। मैं कविता के बारे में बतला दूँ, यदि विज्ञान कविता की बात कर रहे हैं तो हमारी जो विज्ञान पत्रिकाएँ हैं वो भी विज्ञान कविताएँ छापती हैं। और ये मान के चलिए कि विज्ञान कविताएं अभी से तो नहीं लिखी जा रही, जैसे सुमित्रानंद पंत एक कवि हुए हैं बड़े कवि, उनकी एक चिदंबरा संग्रह आया था, उसमें विज्ञान वैज्ञानिक और लेखक के संवाद को ही रखा गया है जी। तो पूरा की पूरा संग्रह जो है वो विज्ञान कविताओं के कहना चाहिए कि प्रभाव का संग्रह है। लेकिन मोहन जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी कि हमारे कॉलर अशोक जी का ये प्रश्न था कि हम कहाँ अपनी कविताओं को भेजें या कहाँ हम अपनी वैज्ञानिक जानकारियों की पुष्टि करें या हम उन्हें दें। चलिए, पुष्टि करने की अगर बात है तो बहुत सी विज्ञान की पत्रिकाएं हैं, वो उनसे समाचार ले सकते हैं या समाचार पत्रों से ले सकते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन उस पर भी स्रोत देखकर आप अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसी पत्रिकाओं के नाम जहां पर वो अपने लेख आलेख रोचक ऐसे आलेख वहां भेज सके या कविताएं भेज सके जो उन्हें छापे, जी, तो जी, उसके विषय में कुछ बताएं। हाँ जी, यदि आप विज्ञान कविताओं की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक की आपके लिए एक मैगजीन है जी, उसके बाद विज्ञान प्रगति है, आविष्कार है जी, और विज्ञान पत्रिका एक है। ये सारी पत्रिकाएं जो है वो आजकल विज्ञान कविताओं पर काम कर रही हैं, और हिंदी की जो गंभीर साहित्य की पत्रिकाएं वो भी विज्ञान पे काम कर रही है। अभी लीलाधर मंडलोई जी जो हैं उन्होंने विज्ञान कविताओं पर बड़ा काम किया है और उन्हें विश्वरंग एक पत्रिका है उसमें उन्होंने प्रकाशित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे देश भर में अलग अलग प्रांत में ये काम हो रहा है। और जहाँ तक वेबसाइट की बात है तो वेबसाइट तो उपलब्ध है ही जी, बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है दर्शकों, इंटरनेट का ज़माना है, आप जो है वहाँ पर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी विज्ञान पत्रिकाएं किस क्षेत्र से छप रही हैं, और आप वहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिया जाता है, पत्र व्यवहार के लिए वहाँ पर पता दिया जाता है, आप ऑनलाइन भी अपनी कविताएं वहाँ दे सकते हैं, अपने लेख दे सकते हैं, अपने फीचर दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लिखकर पत्र के माध्यम से भी उन तक पहुंचा सकते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ज़रूर आपकी कविताओं को, आपके लेख और आलेख को अपने संग्रह में सम्मिलित करेंगे। तो आप जो है इस तरीके से बस खोजते रहिए, विज्ञान भी यही कहता है कि आप जो है प्रयोग करते रहिए, असफलता मिलेगी लेकिन सफलता भी दूर नहीं होगी, तो आप लगातार अगर किसी लक्ष्य के पीछे लगे रहेंगे तो वो ज़रूर आप हासिल करेंगे, और विज्ञान का भी यही कहना है। और जैसे कि कार्यक्रम में हमने आज का विचार भी ऐसे ही रखा था कि जितने
जितने आप प्रयोग करेंगे उतनी बार आपको सफलता मिलेगी। तो सोचिए सफलता सिर्फ एक बार नहीं मिलेगी, सफलता आपको कई बार मिलेगी, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि छोटा सा प्रयास आपने भी किया था अभी, और आपकी कविता हम लोगों ने अभी विज्ञान कविता को प्रकाशित किया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रयासों की अगर बात करें तो प्रयास करने में आपको पीछे नहीं हटना है, लगातार प्रयास करना है। और जीवन में भी हमें यही सिखाया जाता है, घर परिवार विद्यालय महाविद्यालय हम जहाँ भी जाते हैं, कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहना है। छोटी छोटी मुश्किलें आपके सामने ज़रूर आएंगी, लेकिन आपको आत्मविश्वास के साथ प्रयासरत रहते हुए आगे बढ़ते जाना है, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो दर्शकों, अब कार्यक्रम में ज़्यादा समय नहीं बचा है कि हम आपसे बातचीत कर पाएँ और हमारे विशेषज्ञ आपसे बातचीत कर पाएँ, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय है कि हम हमारे दोनों विषय विशेषज्ञों को कहना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। जैसे कि आप नई दिल्ली से आए हैं इस कार्यक्रम में ख़ास रूप से, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे विज्ञान साहित्य महोत्सव के लिए? विज्ञान साहित्य महोत्सव के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे आप जुड़ें, इसमें आएँ, इसके सत्र में शामिल हों, और इन जनरल मैं ये कहना चाहूँगा कि विज्ञान से जुड़ें, विज्ञान की नई नई सीमाओं को समझें, और विज्ञान को समझने के जो स्रोत हैं उन तक पहुँचें जी, वहाँ से विज्ञान लें। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि स्रोत को हमेशा ज़रूर जांच लें कि कहाँ से आप ये सूचना प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी सूचनाएं भी यहाँ वहाँ फ्लोट कर रही हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है। तो आप जो है उस दिशा में ना जाएं, स्रोत की जानकारी लेकर ही सूचना पर विश्वास करें। आइए मोहन जी से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई कविता आप सुना दें। जी जी, मैं यही संदेश वाली एक कविता जी, सुनाता जी, हूं, जी, बिल्कुल क्योंकि स्वागत हम है। आजकल जिस युग में जी रहे हैं वहाँ एक क्लिक में सारा काम हो रहा है। क्या बात। तो कविता का शीर्षक ही है एक क्लिक में। जी जी जी। एक क्लिक में खुलता है संसार, सर्च तो कीजिए जनाब, जागिए भला, ईमेल, मैप, न्यूज, आर्कुट, ट्रांसलेट और मोर मोर। इतिहास से लेकर राजनीति तक, और दर्शन से संस्कृति, धर्म से विज्ञान, बस एक क्लिक में जान लेंगे सब कुछ। यह भी जान लेंगे कि एक क्लिक में सब कुछ जान लेने जैसा नहीं। जी जी। यह भी जान लेंगे कि एक क्लिक में सब कुछ जान लेने जैसा नहीं। यह कितना अचरज भरा और खतरनाक है कि नहीं रही हमारी निजता भी अब हमारी, नहीं रही अब हमारी निजता भी अब हमारी, खुल रही वह दिन ब दिन हर एक क्लिक पर, जैसे ब्रह्मांड खुलता जा रहा परत दर परत, बस एक क्लिक में नहीं खुलता तो प्रेम। जी जी। बस एक क्लिक में नहीं खुलता तो प्रेम, मन की गांठें नहीं खुलती एक क्लिक में, अलबत्ता चैटिंग हो सकती है एक क्लिक में। एक क्लिक में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता आपकी, और मुझे इसका शीर्षक बहुत पसंद आया, एक क्लिक में। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए। दूरदर्शन मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से, कार्यक्रम नमस्कार एमपी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो आपसे इजाजत लेती हूँ मैं, आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार एमपी। नमस्कार।